नमस्कार, देख रहे दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और इंडियन आइडल के दो चमकते सितारे मेरे साथ हैं और उनसे बात करते हैं। अरुणिता और पवनदीप, कैसे हैं आप? बढ़िया। नमस्कार सबसे पहले सभी को। नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी कहां कोई प्रैक्टिस से आ रहे हैं, क्या करते हैं दिन भर आप लोग? दिन भर हाँ यही चलता है, म्यूजिकल माहौल है, शूट होता है, रियलिटी शूट वगैरह करते हैं और एक स्विमिंग क्लासेस होती हैं, रियाज होता है और मस्ती भी होती है, खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। अभी तो हम लोग आ रहे हैं नीचे से खाना खा के। हाँ जी। ओके, अरुणिता, मुझे आपके बारे में तो मालूम है, आप कोलकाता की मिष्टी दोई जैसी मीठी मीठी आवाज के साथ लोगों के सामने आई है। आर यू हैप्पी? जहाँ जहाँ जिस मकाम पे पहुंच रही हैं, खुश हैं आप? खुश ये वर्ड बहुत कम वर्ड है एक्चुअली इसको एक्सप्रेस करने जैसे, कि अभी मैं कितनी खुश हूँ, कितना एक्साइटेड है हम सब। अभी टॉप 9 हो गया है तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा है कि क्या होगा आगे जाके, पर उतना प्रेशर भी है कि अभी टॉप 9 है और भी अच्छे से गाना है। तो ये सब है। बाकी सब पवनदीप, सिंस वी आर हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, आई होप मैं आपको और जल्द फेस टू फेस मिल सकूं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, सब जानते हैं लेकिन थोड़ा सा आपकी जुबान मीठी जुबान से हो जाए तो मजा आएगा। मेरे बारे में क्या है? एक मैं म्यूजिशियन हूँ, एक की बातें करता रहता हूँ, म्यूजिक करता रहता हूँ और मेरी फैमिली है, मेरी दो छोटी बहन है, मम्मी पापा हैं और मैं चंपावत से हूँ, उत्तराखंड से, पहाड़ों से, जैसे सभी को पता है। कुछ ऐसी बात है नहीं कि जो लोगों तक पहुंची नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है जो हमने बताई ना हो, तो सभी लोग जानते ही हैं कि क्या है। तो बाकी मेरे बारे में क्या ही बताऊं मैं, माँ पूछ सकते हैं मेरे से कुछ भी। चलिए ये बताइए, आपका म्यूजिक बचपन से शुरू हुआ या धीरे धीरे आपको समझ में आया कि नहीं अब मुझे ये सब के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक भी करना है? नहीं, मेरे को बचपन में पता चल गया था कि मैं म्यूजिशियन हूँ। तो मैं 2.5 साल की उम्र में पहला शो किया था 98 में, चंपावत में ही मैंने तबला प्ले किया था, तो मेरा फर्स्ट शो था। तो उसके बाद से जर्नी चल रही है, सीख रहे हैं, एक्सपीरियंस ले रहे हैं, बहुत सारे अपने उत्तराखंड के शोज करता था वहीं पे, तो वही है, म्यूजिकल ही चल रहा है, बचपन से म्यूजिक ही चल रहा है, बाकी पढ़ाई वगैरह भी की है तो म्यूजिक में ज्यादा ध्यान। अच्छा, तो क्या पढ़ाई की और म्यूजिक में? क्लासिकल सीखा या वेस्टर्न सीखा? म्यूजिक में मैंने कुछ भी नहीं सीखा। ओह, दिस इज नेचुरल। पढ़ाई की पढ़ाई की है वही, मेरा 10th में 12th में बायोलॉजी था, उसके बाद मैं आर्ट साइड में आ गया था कॉलेज में, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सब सब्जेक्ट। That's really nice. और अरुणिता, आपकी पढ़ाई का क्या चल रहा है? अभी तो सारा ऑनलाइन चल रहा है, तो हाउ आर यू मैनेजिंग विद पढ़ाई? मैं एक्चुअली म्यूजिक में ज्यादा रहती हूँ, पढ़ाई में कभी कभार, पर जब भी करती हूँ तब कॉन्सेंट्रेशन देके करती हूँ तो हो जाता है उतना देर में। मतलब ऐसे मैं 1 घंटा 2 घंटा कंटिन्यूसली कभी नहीं बैठ सकती, मतलब आधा घंटा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम में दिन में ऐसे आधा आधा घंटा करके पढ़ सकती हूँ। मतलब कंटिन्यूअसली सब बोलते हैं कि मतलब 5-5 घंटा पढ़ाए जिनका इतना अच्छा आता है, पर मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, उतना कॉन्सेंट्रेशन देके मैं कभी नहीं कर सकती, मतलब कंटिन्यूअसली मैक्सिमम आधा घंटा। पर उतना जितना आधा घंटे में होता है वो शायद मेरे से 5 घंटे में भी नहीं ऐसा। तो हाँ, अभी ऐसा है, अब क्या ही करूँ मैं। और अभी चल रहा है तो यस, अभी थोड़ा सा प्रेशर है, एग्जाम भी होते हैं ना, थोड़ा सा बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम, तो भगवान के ऊपर ही है सब कुछ क्या होता है। तो बोर्ड इज 12th राइट? हाँ, बोर्ड इज 12th 12वीं। यस यस ओके, चलिए इंडियन आइडल की बात करते हैं। पवनदीप, आपसे जानना चाहते हैं, ऐसा कब लगा कि मुझे इंडियन आइडल पहुंचना है और वहां इस लेवल तक आऊंगा मैं? वो जब अभिजीत सावंत वाला सीजन आ गया था तभी लग गया था मुझे कि मैं इंडियन आइडल में जाना है। ये नहीं सोचा था कि यहाँ तक आ जाऊंगा, बट एक चाह थी कि मैं वहां पे जाऊं और उसकी प्रैक्टिस बचपन से चल रही है। तो एक मैं अभी जर्नी बताना चाहूँ तो बचपन से इस चीज की प्रैक्टिस चल रही है कि मुझे किसी शो में आना है या तो फिर गाने म्यूजिक ही करना है। तो ये एक मौका मिला है
बहुत अच्छा एक अवसर और एक जिम्मेदारी भी है, तो बहुत अच्छे से निभाना चाहूंगी इसको। आप दोनों से जानना चाहती हूँ, म्यूजिक जब या संगीत जब ये शब्द सुनते हैं तो आपके दोनों के जहन में क्या आता है, क्या पहला विचार आता है? अर्निता आप बताइए। म्यूजिक एक्चुअली एक एक्सप्रेशन है आपकी फीलिंग्स का, जो आप फील करते हो उसको आप सुरों से मतलब बात ही है उसको आप बस फील करके बोलते हो। तो ऐसे मतलब मैंने बचपन से क्लासिकल सीखा है बहुत ज्यादा, मतलब प्योर भी सीखा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्लासिकल ना एक एकदम क्लासिकल में सब कुछ खड़ा 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 होता है, पर फील जो है ना वो थोड़ा लाने को थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है। पर इंडियन आइडल में आके मैंने खुद में वो देखा है कि बहुत ज्यादा सुनते सुनते प्रैक्टिस करते करते इन सबको सुनते सुनते वो फील वाला चीज वो बस समझना पड़ती फील ऐसा है। तो म्यूजिक एक एक्सप्रेशन है, आप जो बोलते हो ना उसका एक एक्सप्रेशन है म्यूजिक। और प्रबंधक आपके लिए क्या है? म्यूजिक मेरे लिए तो एक, मैं कहूंगा कि हमारे यूनिवर्स की सबसे शुद्ध जो चीज होती है वो म्यूजिक होती है। सही। तो उससे मतलब कोई भी इंसान चाहे किसी भी जाति धर्म या लैंग्वेज का हो, तो म्यूजिक में कोई लैंग्वेज नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं होता है। तो किसी को भी मोह सकते हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो उसके जरिए। तो अरुणिता ने बोला क्लासिकल वाली बात, तो क्लासिकल बहुत जरूरी है मेरे को ऐसा लगता है। तो अरुणिता ने सीखा है तो बहुत कमाल की बात है, वो तो उससे एक ठहराव आ जाता है और जो कि है भी उसमें बहुत ज्यादा ठहराव। आप देखेंगे इतनी अभी 12th में वो 18-18 साल की है और वो गाती ऐसा है जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लाइफ को पूरा जी चुकी है। कुछ भी सच में कुछ भी बोलते नो इनफैक्ट अभी जब मैंने देखा नीतू सिंह जी वाला जो परफॉर्मेंस था वो सच में एक ठहराव था, एक बदमाशी थी। क्या चल रहा था उस समय दिल में आपके जब सामने नीतू जी बैठी और आपको उन्हीं का गाना गाना है? ऐसा होता है कि वो हीरोइन है जो जिसका वो गाना है, मतलब मेरे मम्मी पापा लोगों ने, मतलब मेरे मम्मी पापा छोटे होंगे जब वो मूवीज करते, तो हमारी तीसरी पीढ़ी में मानता हूँ इसको, तो उनके लिए उनका गाना उन्हीं के सामने गाना एक तो सबसे पहले चैलेंजिंग होता है दोनों के लिए। फिर दोनों ये फील करके गाते हैं कि उस टाइम पे वो हीरो हीरोइन के क्या रिएक्शन थे, वो रिएक्शन और वो वजन, वो जो मेन सिंगर का वजन होता है शब्द का, उसको हम लोग देखते हैं कि उसने किस वजन से शब्द बोला है। तो वो बात कह रहे हैं हम किसी को तो समझ में आनी चाहिए, तो पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह से गाएं कि बात जनता तक पहुंचे जो हम कहना चाहते हैं। यहाँ पे आप मुझे बताइए, अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, वो सफर आ रहा है जहां पर किसी को चुना जाएगा, कितनी धड़कनें बढ़ी हुई हैं और ऐसा कौन सा जैसे बोलते हैं ऐसी दिल में क्या हिम्मत जागती है जो लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना है? बिल्कुल धड़कनें नहीं बढ़ी हुई है क्योंकि जितने भी हम लोग हैं टॉप 15 लोग, तो हम सब दोस्त हैं, चाहे कोई भी जीते या कोई भी आगे पहुंचे, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले हैं और हम चाहते हैं कि पूरी टीम बना के हम लोग काम करें। तो विनर जो भी होगा वो भी हमारा दोस्त होगा, तो इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है कोई भी। और मैं तो कहूंगा एक दिन विनर भी बाहर हो जाएगा क्योंकि शो खत्म हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद हम लोग मिलते रहेंगे और साथ में पूरा हमने सोच लिया है कि हम लोग जितने लोग हैं अभी टॉप 9 टॉप 10 या टॉप 15 तक हमने बात की थी, हम लोग साथ में काम करने वाले हैं सब लोग। तो कोई धड़कनों का डरने की बात नहीं है, सब अपने दोस्त लोग हैं, साथ में ही है सब साथ में ही है, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, काम करना है। इसके बाद विनर को भी वही सेम काम करना है, हमें भी वही सेम काम करना है। तो जो भी विनर होगा इस शो का तो वो भी मेरा ही दोस्त है और मैं भी उसका ही दोस्त हूँ। ऐसा नहीं है कि विनर बन गया तो कोई वो मुझे भूल जाएगा, तो हमने साथ में काम करना है, एक दूसरे का साथ देना है, बहुत अच्छा है सब लोग सभी लोगों का। तो एक टीम बना ली है हम लोग ने अभी से और बॉलीवुड में मैं चाहूंगा कि ये टीम भी पूरे 15 लोग आए, चाहे कोई भी विनर। अर्निता और पवनदी बहुत ही खूबसूरत थॉट है आपका, फिर भी चली जाते जाते दर्शकों को कुछ कहने बोलने की इच्छा है जो शायद वेब दुनिया के जरिए आप बोल सके? मैं इतना ही बोलूंगी कि अभी धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्यार मिल रही है आप लोगों की, तो मतलब सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत जरूरत है हम लोगों को आगे जाने के लिए। तो ब्लेसिंग्स दीजिए, बहुत बहुत आशीर्वाद कीजिए, वोट्स कीजिए।
और अपना ख्याल रखिए, कोरोना का समय है, हाँ, बच्चे रहेंगे तो ब्लेसिंग्स देंगे तो अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत टफ समय है ये। इस समय में सबको बहुत अच्छे से रहना है, क्योंकि ये बहुत अजीब आ गया है मैम। पहले कितना खुला घूमते थे, अभी बिल्कुल दिक्कत सी हो गई है। तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए और सपोर्ट तो कीजिए, हमारे सभी बच्चों को सपोर्ट कीजिए और सभी को वोट कीजिए। शुक्रिया। हम चाहेंगे जैसे आपके दिल में हो वैसी की वैसी चीज सच हो जाए, भगवान उस पर तथास्तु बोल दे। शुक्रिया। वो क्योंकि हम चाहती हैं ऐसा हो जाए कि सबके सब लोग एकदम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं कि अपना दोस्त, मैं ये मानता हूँ कि सारे दोस्त सब बड़े मुकाम पे होंगे ना, तो एक अच्छा मतलब बहुत अच्छा रहता है कि किसी से भी कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, तू भी एकदम स्टेब्लिश है, ये वाला मेरा काम कर दे, वो कहेगा तू ये वाला मेरा काम कर दे, तो एक बैलेंसिंग बना रहता है और चीजें आसान हो जाएंगी। और हाथ ज्यादा होते हैं तो काम आसान होता है, अकेले नहीं होते। एकता में शक्ति। शुक्रिया। वाद दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वाद दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वाद दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइंस इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइंस। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा, हमारे जैसा क्विज कहां मिलेगा। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।